हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस केमिस्ट्री क्लास में। एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल क्लास 12th NCERT। जो भी क्लास 12th के NCERT बुक्स में एग्जांपल्स दिए हैं, क्वेश्चंस दिए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर, वो सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल सबसे पहले क्या होता है पता होगा आपको। एल्कोहल हमारा होता है एक फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लिखते हैं बॉन्ड OH से। ठीक है, और इसका एक और नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं एंड इसको अल्कोहल भी बोलते हैं। तो जब भी OH आएगा तो आप उसको क्या कहेंगे कि वो एक अल्कोहल का कंपाउंड है। ठीक है, जब भी आप इसका IUPAC नाम लिखेंगे अल्कोहल का, मान लीजिए हमने एक कंपाउंड ले लिया ROH। R होता है आपका एल्किल ग्रुप या फिर जिसको हम बोलते हैं अल्काइल, एंड ये आपका क्या हो गया? अल्कोहल। ठीक है, तो जब भी अल्कोहल का आप IUPAC नाम लिखेंगे तो IUPAC में आप इसका सफिक्स लिखेंगे OL। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है? जिसको हम पीछे जोड़ते हैं, पीछे जोड़ते हैं, पीछे। ठीक है, सफिक्स लिखेंगे OL। ऑल, AL लिखेंगे तो एल्डिहाइड का हो जाएगा। आपको क्या लिखना है? OL। धीमे धीमे जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। और थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको IUPAC का पता होना चाहिए, जैसे कि वर्ड रूट क्या होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए एंड प्रायोरिटी भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आपका फंक्शनल ग्रुप आता है इसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इनको हम महाराजा समझते हैं। ठीक है, और जब भी नंबरिंग करेंगे तो उस साइड से करेंगे जिधर से हमारा OH ग्रुप समीप हो, नज़दीक हो, उधर से हम करेंगे। ठीक है, और जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम आप इसका लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल। क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, इतना बात आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियरिटी आएगी। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बुक का। फर्स्ट हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वो दिया है CH3OH। हमें कॉमन नेम भी लिखना है एंड IUPAC नेम भी लिखना है। तो कॉमन नेम आप इसका क्या लिखेंगे? वन कार्बन है, वन कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है मेथ, तो ये क्या हो जाएगा? मिथाइल। और OH के लिए आप लिखेंगे अल्कोहल, CN। CN मीन्स क्या हो जाएगा? कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब IUPAC नेम इसका आप क्या लिखेंगे? IN मतलब क्या हो गया? IUPAC नेम। तो इसमें कितना कार्बन है? वन कार्बन है, वन कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? मीथेन लिखते हैं। वन कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मीथेन। एंड इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स हमने आपको क्या बोला ऐड करने के लिए? ऑल, तो हो जाएगा प्लस ऑल। और जब भी AEIOU, AEIOUY एक साथ आएगा तो E को आप क्या करेंगे? हटा देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या नाम बन जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम होगा इसका? मेथेनॉल। IUPAC नाम है मेथेनॉल एंड कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH2OH। ठीक है, इसका कॉमन नेम आप कैसे लिखेंगे? इसमें कितना कार्बन है? वन एंड टू। हमने बोला गिनती उस साइड से करेंगे जिधर से ये आपका नज़दीक हो, तो ये वन एंड ये टू। कॉमन नेम आपको पहले लिखना है, पहले आपको लिखना है CN कॉमन नेम। तो इसमें कितना कार्बन? वन एंड टू। टू कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? एथ। ठीक है, तो आप लिखेंगे इथाइल। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मिथाइल अल्काइल, वैसे क्या हो जाएगा? इथाइल। और OH के लिए आपको क्या ऐड करना है? अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। एंड IUPAC नाम आप क्या लिखेंगे? वन टू। टू कार्बन का एल्केन क्या होता है? इथेन होता है, IN IUPAC नेम। तो आप क्या लिखेंगे? इथेन। ठीक है, प्लस इसके लिए क्या ऐड करेंगे? OL, और इस E को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल। और यही अल्कोहल है जिसको हम यूज़ करते हैं वाइन में, शराब में। ठीक है, और एग्जांपल से देखते हैं। थर्ड एग्जांपल हमारे बुक में क्या दिया हुआ है? CH2OH। जो सेकंड एग्जांपल था वो हमने अपने मन से लिया था, और ये किसका है? बुक का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? कॉमन नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, गिनती करेंगे यहाँ से वन टू एंड थ्री। कॉमन नेम क्या लिखते हैं? अल्काइल अल्कोहल। तो इसमें कितना कार्बन? वन टू थ्री। थ्री कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? कॉमन नेम में वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप होगा। तो आप क्या लिखेंगे? प्रोप, और जोड़ेंगे YL, तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। एंड OH के लिए आपको लिखना है अल्कोहल। तो क्या नाम हो जाएगा इसका?
प्रोपाइल एल्कोहल हो गया कॉमन नेम। एंड आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन आपने लिखा, देन लिखेंगे वन ऑल। वन ऑल क्यों लिखे हैं, देखिए दो कार्बन तक था तो सीधा हमने मेथेनॉल एथेनॉल लिख दिया, जब थ्री कार्बन तक जाएगा तो उसमें आपको एल्कोहल का लुकेंट नंबर भी बताना पड़ेगा कि जो OH है वो कौन से नंबर पे अटैच है। और हमने आपको बताया कि OH का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, ऑल कहाँ लिखते हैं, पीछे, तो यहाँ पे हमने सबसे लास्ट में लिखा है ना, पीछे लिखा है ऑल, सबसे लास्ट में हमने ऑल लिखा है और सारा नाम पहले लिखा है। तीन कार्बन का एल्कीन हो जाएगा प्रोपेन, देन ई को हमें हटाना है, वन नंबर पे क्या है OH है तो लिखेंगे वन, इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन वन ऑल। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास दिया है CH3 एंड OH। ऑल राइट, तो इसका हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। कैसे लिखेंगे भाई कॉमन नेम IUPAC नेम, देखिए OH हमारा इसका यहाँ से अटैच है इस कार्बन से, और ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, ठीक है, इस ये जो OH है इस वाले कार्बन से अटैच है, ये कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो जब भी ऐसा आएगा तो उसके लिए आप कॉमन नेम में लिखेंगे आइसो, कॉमन नेम में आप यूज़ करेंगे आइसो। अब इसमें कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, और कॉमन नेम में आप क्या लिखेंगे, YL, तो क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइल, एंड इसके लिए क्या लिखना है, एल्कोहल। ठीक है, धीमे धीमे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एक बार पूरा 100% समझ में नहीं आएगा। अब IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वर्ड रूट, कितना कार्बन है, 1, 2, 3, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन, तो आपने लिखा प्रोपेन, ई नहीं लिखेंगे इसका, डैश डैश लगाएंगे। अब कौन से नंबर पे OH है, 2 नंबर पे है, तो इसका लुकेंट नंबर आप लिखेंगे 2, फिर लगाएंगे डैश, और इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे ऑल, तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, नंबर 5, CH3, CH2, CH2 एंड OH, एकदम इसी के जैसा है, इसका तो आप लिख ही सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन नेम CN एंड IUPAC नेम IN। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, गिनती कर लीजिए 1, 2, 3, 4, गिनती हमेशा कार्बन की करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नहीं करना है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट आपका क्या होता है, ब्यूट होता है, तो आप क्या लिखेंगे, ब्यूट, और क्या जोड़ेंगे, YL, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल। कॉमन नेम में हमेशा YL जोड़ेंगे, जितना भी कार्बन होगा, क्या हो गया, ब्यूटाइल, और इसके लिए आपको क्या लिखना है, एल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटाइल एल्कोहल, या फिर आप चाहें तो इसके आगे N भी लगा सकते हैं, N ब्यूटाइल एल्कोहल, क्यों, N का मतलब हो जाएगा नॉर्मल, जब एकदम सीधा स्ट्रेट चैन हो तो उसके आगे आप N लिखेंगे, वो भी 3 कार्बन से ज़्यादा होगा तब लिखेंगे N, उसका मतलब हो जाएगा नॉर्मल एल्कोहल, तो यहाँ पे आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, और आप ऐसे लिखेंगे N ब्यूटाइल एल्कोहल, दोनों क्या है इसका, कॉमन नेम है, ठीक है। IUPAC नाम लिखते हैं हम, IN, IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, कितना एल्केन है, कितना कार्बन है इसमें, 4, 4 कार्बन का एल्केन क्या होता है, ब्यूटेन, तो हमने लिखा ब्यूटेन, ई नहीं लिखना है, ठीक है, डैश, कौन से नंबर पे OH है, 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, ये है 1 नंबर का कार्बन, इससे OH है तो 1 लिखेंगे, एंड इसके लिए क्या लिखना है, सेकेंडरी सफिक्स ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ऑल। ऑल राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 6, क्या दिया एग्जाम्पल आपका, CH3, CH, OH, then CH2 and CH3, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, इसका आपको लिखना है कॉमन नेम CN एंड IUPAC नेम IN। कैसे लिखेंगे, देखिए हमने क्या बताया, ये जो OH है ये कौन से कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, और ये कार्बन अगल बगल में दो कार्बन से अटैच है, तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा तो आप क्या लिखेंगे कॉमन नेम में, आइसो, क्या लिखना है आपको, आइसो, जैसे हमने यहाँ पे आइसो लिखा देखिए, वैसे यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आइसो, तो सबसे पहले हमने लिख दिया आइसो। अब इसमें कितना कार्बन है, गिनती किधर से करेंगे, जिधर से OH हमारा क्या हो, नियर हो, नज़दीक हो, 1, 2, 1, 2, 3, तो इधर से होगा 1, 2, 3 एंड 4, डन, तो 2 नंबर पे हमारा OH है, अब आपने आइसो लिख दिया कॉमन नेम में, अब टोटल इसमें कितना है, 1, 2, 3, 4, 4 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट, और क्या लिखेंगे, YL, क्योंकि हम कॉमन नेम लिख रहे हैं, और OH के लिए क्या ऐड करना है, एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल।
आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले आप वर्ड रूट लिखेंगे कितना कार्बन है, फोर, फोर कार्बन के लिए हम लिखेंगे ब्यूटेन डैश, कौन से नंबर पे ओएच है, टू नंबर पे, तो आप लिखेंगे टू डैश, इसके लिए सफिक्स ऑल, तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट हमारा क्या है, नंबर सेवन, नंबर सेवन आपका क्या है, सी एच थ्री, सी एच बॉन्ड सी एच थ्री, सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री एंड इसी अटैच है ओएच। ठीक है, एक और हम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ साथ, अगला हमारा दिया है सी एच टू बॉन्ड सी एच टू ओ एच एंड ओ एच। नेक्स्ट है हमारा नाइन नंबर, ये एक ही टेबल में सारा एग्जांपल्स दिया हुआ है, सी एच टू बॉन्ड सी एच, सी एच टू एंड सबसे आपका अटैच है एक एक ओ एच फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इन तीनों का हमें आई यू पी एस सी एंड कॉमन नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें ये जो OH है ये इस वाले कार्बन से अटैच है, ठीक, और ये कार्बन टोटल आसपास थ्री कार्बन से अटैच है, तो जब भी ऐसा सिस्टम आएगा और आपको कॉमन नेम लिखना होगा तो वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करेंगे टर्सियरी, वन टू थ्री, ये जो अल्कोहल है वो थ्री डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच है वो भी क्या है, थ्री डिग्री है, जिसको हम बोलते हैं टर्सियरी, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे कॉमन नेम में सी एन टर्सियरी, जिसको हम शॉर्ट में लिखेंगे टर्ट। ठीक है, टर्सियरी हो गया, तृतीयक जिसको बोलते हैं हिंदी में, देन इसके आगे आप लगाएंगे डैश। अब इसमें कितना कार्बन है, वन टू थ्री फोर, कितना कार्बन है, वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, ब्यूट, और कॉमन नेम में है तो क्या लिखेंगे, आइल, ब्यूटाइल, और ओएच के लिए आप लिखेंगे एल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम क्या हो गया, टर्सियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आईयूपीएसी नाम आप कैसे लिखेंगे, आई एन। आईयूपीएसी के लिए आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, वन टू थ्री, वन टू थ्री, जैसे भी आप नंबरिंग करेंगे इसको टू नंबर ही मिलेगा, तो यहाँ से हम किए वन, ये टू और ये थ्री। ठीक है, हमने नंबरिंग कर दी। अब देखिए ये जो कार्बन है ये नंबरिंग में नहीं आया, ये बाहर हो गया, तो सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका नाम लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, देखिए कैसे, टू नंबर पे सी एस थ्री है तो आप लिखेंगे टू डैश, इसमें कितना कार्बन है, वन, वन कार्बन है तो आप लिखेंगे मेथ, और जब भी ये किसी से अटैच हो, ऐसे बॉन्ड बनाया हो, तो आप ऐड करेंगे वाई एल, तो इसका नाम हो गया टू मिथाइल। ठीक है, क्या नाम हो गया, टू मिथाइल। अब इसमें टोटल कितना कार्बन है, थ्री, थ्री कार्बन के लिए वर्ड रूट आप क्या लिखेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हो गया प्रोपेन, ऑल राइट, डैश, टू नंबर पे क्या है, ओएच है तो आप लिखेंगे टू डैश ऑल। ये है इसका आईयूपीएसी नाम, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से इसको समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसका हमें लिखना है, तो इसमें कितना कार्बन है, वन एंड टू कार्बन है। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे वन एंड टू, तो आप लिखेंगे वन एंड टू नंबर पे आपका ओएच है, लेकिन सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, इसमें कितना कार्बन है, टू, टू के लिए क्या लिखेंगे, एथेन डैश वन एंड टू, वन कॉमा टू, क्यों हमने दो बार लिखा, क्योंकि दोनों बार क्या है, OH है, वन पे भी है टू पे भी है। अब जब दो बार आएगा तो उसके लिए आप लिखेंगे ड्राई, डाई, ठीक है, और इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं, ऑल, तो क्या हो जाएगा, ऑल, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथेन वन कॉमा टू डाई ऑल, ये क्या है आपका आईयूपीएसी नेम है, और ये आपका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, इसका कॉमन नेम बहुत ही अच्छा है, इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, जी एल वाई सी ई आर ओ एल, तो इसका नाम आप याद रख लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्टली आपसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, जैसे इसका लिखे नंबरिंग कीजिए, वन टू थ्री, थ्री कार्बन के लिए एल्केन क्या होगा हमारा, प्रोपेन, तो हमने लिखा प्रोपेन डैश वन कॉमा टू कॉमा थ्री, क्यों, क्योंकि तीनों पे ओएच हो, तो आप लिखेंगे वन कॉमा टू कॉमा थ्री डैश, अब तीन बार है तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्राई एंड ऐड करेंगे ऑल, इसमें ई आप लिखेंगे, क्योंकि ये जो यहाँ पे टी आ रहा है ओ नहीं आ रहा है, तो इसका भी ई रहेगा एंड इसका भी ई रहेगा, हटेगा नहीं। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा, प्रोपेन वन कॉमा टू कॉमा थ्री ट्राई ऑल। तो ये हमारा एक टेबल में सारा एग्जांपल्स दिया हुआ था, उसका हमने आईपीएससी नाम किया है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसका भी हम आईपीएससी नाम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्या आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए क्वेश्चन क्या है, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच, इसे अटैच है आपका क्लोरीन, देन सी एच, सी एच थ्री, देन आपका है सी एच टू एंड
या यहाँ भी सी एच है और इससे भी सी एच थ्री अटैच है, देन आपका है सी एच टू एंड ओ एच। ठीक है, इसका आई पी एस सी नाम लिखने के लिए आपको बोला है। कैसे लिखेंगे आप, थोड़ा सा आपको आई पी एस सी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए तभी इसका लिख पाएंगे। सबसे पहले आप गिनती करेंगे जिधर से ओ एच क्या हो, नियरर हो, नज़दीक हो, तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सब का हमने गिनती कर लिया, इसको आप ऐसे घेर लीजिए। अब ये जो बच गया इसको हम बोलते हैं क्या, ब्रांच, सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। और जब भी हम आई पी एस सी नाम लिखते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट क्या लिखते हैं, ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, क्लोरो, क्लोरीन है, आई पी एस सी में इसका नाम क्लोरो लिखेंगे। और ये दोनों क्या है, इसमें कार्बन वन है तो लिखेंगे मेथ, और ऐड करेंगे वाई है, ये दोनों आपका मिथाइल है और ये क्लोरो है। सबसे पहले इन्हीं दोनों का नाम लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें नाम लिखने का, तो आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ए बी सी डी में जो लेटर आपका पहले आए, तो आपका सी पहले आएगा, एम बाद में आएगा, और लुकेंट नंबर के साथ लिखेंगे कि जो मेन चैन है ये हमारा क्या है, मेन चैन है। ठीक है, तो जो मेन चैन है उसमें कौन से कार्बन से आपके ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, जुड़े हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले ए बी सी डी में हमारा सी पहले आता है, एम बाद में आता है, तो पहले आप इसका नाम लिखेंगे, और ये कौन से नंबर पे अटैच है, फोर नंबर पे, तो आप इसका आई पी एस सी नाम लिखेंगे, फोर क्लोरो। जब भी आपका अंक आएगा, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा, तो आप डैश लगाएंगे, डैश। अब इसका नाम लिखना है, टू नंबर एंड थ्री नंबर दोनों पे क्या है, सी एस थ्री सी एस थ्री, तो आप लिखेंगे 2, 3। अब दोनों एक ही जैसा है तो आप लिखेंगे डाई, और नाम क्या है, मिथाइल। ठीक है, इतना हो गया, इसका नाम हमने लिख लिया। अब इसका नाम आप लिख लेंगे, इसमें टोटल कितना कार्बन है, फाइव, फाइव कार्बन के लिए वर्ड रूट होता है पेंट एन, ठीक है, लिखेंगे पेंटेन, डैश वन नंबर पे क्या है, ऑल है, तो हमने लिखा वन ऑल, पेंटेन वन ऑल, ये है इसका आई यू पी एस सी नेम। अगला क्वेश्चन हमारे पास बुक में दिया हुआ है, एल्कोहल का नोमेनक्लेचर में सी एच थ्री बॉन्ड सी एच, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी एच ओ एच, देन यहाँ पे है हमारा सी, ऊपर है मिथिल सी एस थ्री, नीचे भी आपका मिथाइल है सी एस थ्री, देन है आपका सी एच थ्री। इसका पूछा है आपको आई यू पी एस सी नाम लिखने के लिए, तो कैसे नाम लिखेंगे आप इसका, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे जिधर से ये ओ एच महाराज हैं वो नज़दीक आए, 1 2 3 1 2 3, इधर से भी तीन नंबर पे आ रहे हैं, इधर से भी तीन नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, तो जब आप नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ठीक है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे एक ही आ रहा है, यहाँ से टू नंबर पे दो सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से टू नंबर पे वन सब्स्टिट्यूएंट, तो टू सब्स्टिट्यूएंट्स वालों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, इधर से ही गिनती करेंगे, तो हो गया 1 2 3 4 5, आपने गिनती कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या बताया, इसको आप घेर लीजिए ऐसे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। अब किसका नाम लिखेंगे, पहले इन तीनों का नाम आप लिखेंगे, इन तीनों का नाम आपको पता है क्या नाम है, मिथाइल, तीनों एक ही जैसे हैं, हम सकल हैं। ठीक है, नंबरिंग के साथ लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट का, फिर मेन चेन का, फिर फंक्शनल ग्रुप ओ एच के लिए, तो कैसे लिखेंगे आई पी एस सी नाम, कौन कौन से नंबर पर आपका सी एस थ्री है, 1 2 नंबर पर 2, 2, दो नंबर पे दो बार है, तो एक बार 2 इसके लिए लिखेंगे, एक बार 2 इसके लिए लिखेंगे, तो हमने क्या लिखा, 2, 2, अब वैसा ही 4 नंबर पे भी है, तो आप लिखेंगे 4 डैश, तीन बार एक ही चीज़ है, सेम सेम है, तो उसके लिए आप ऐड करेंगे ट्राई, और नाम क्या है, मिथाइल, तो आपने क्या लिख दिया, ट्राई मिथाइल। अब इसका नाम हमने लिख लिया, इसमें टोटल कितने कार्बन है, 5 है, 5 के लिए वर्ड उड क्या लिखेंगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ई नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके लिए हमें लिखना है ऑल, तो पेंटेन हो गया। थ्री नंबर पे ओ एच अटैच है, तो आप लिखेंगे डैश थ्री, और सफिक्स इसके लिए लिखेंगे ऑल, तो ये है इसका आई यू पी एस सी नेम, 2, 2, 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन थ्री ऑल। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सी एच थ्री सी एच ओ एच देन सी एच, और यहाँ भी अटैच है ओ एच देन सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, इसका आपको आई यू पी एस सी नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, गिनती करेंगे 1, 2, 1, 2, दोनों साइड से ओ एच को 2 नंबर ही मिल रहा है, तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले आप इसका मेन चेन का नाम लिखेंगे, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, फिर इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स ऑल लिखेंगे, तो इसमें टोटल कितना कार्बन है, 4, 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट एन, ठीक है, ब्यूटेन, पूरा ई लिखेंगे क्योंकि दो दो ओ एच है, ठीक है, पूरा हमने लिख दिया ब्यूटेन, डैश
टू नंबर एंड थ्री नंबर पे क्या है, OH है, तो आप लिखेंगे टू कॉमा थ्री, जिसके लिए लिखेंगे हम डाई, दो बार आएगा तो डाई लिखेंगे, तो यहाँ पे डी हमारा आ रहा है ना, ठीक है डाई, और इसके लिए सफिक्स क्या लिखते हैं ऑल, तो इसका आई पी एस सी नेम क्या होगा, ब्यूटेन टू कॉमा थ्री डाई ऑल, देखिए यहाँ पे डी आ रहा है, यहाँ पे ई, तो हम लिख सकते हैं जब ए ई आई ओ यू वाई एक साथ आएगा तभी को हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है, हटाना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं फिर लेक्चर को हम एंड करते हैं। नंबर फोर क्या दिया हुआ है बुक में, सी एच थ्री, सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच, देन है आपका सी एच टू, फिर है आपका सी एच, इससे अटैच है ओ एच, फिर आपका दिया हुआ है सी एच सी टू एच फाइव सी एच टू एंड देन सी एच थ्री, ठीक है इसका नाम हम लिखते हैं फिर लेक्चर को एंड करते हैं। आप नंबरिंग करेंगे जिधर से ओ एच हमारा नियरर हो, वन टू, वन टू थ्री फोर नंबर पे आ रहा है, इधर से टू नंबर पे, इधर से गिनती होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ऐसे आप इसको घेर लीजिए। अब ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है और ये क्या है आपका फंक्शन ग्रुप है, इसमें कितना कार्बन है, टू कार्बन है, जिसके लिए वर्ड रूट हम लिखते हैं एथ और ऐड करेंगे वाई एल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, ठीक, पहले इसी का नाम हम लिखेंगे फिर इसका लिखेंगे फिर इसका, तो कौन से नंबर पे इथाइल है, फाइव नंबर पे, तो आप लिखेंगे फाइव इथाइल, ऑल राइट, इसमें टोटल कितना कार्बन है सेवन, सेवन के लिए वर्ड रूट होता है हेप्ट, तो हम क्या लिखेंगे हेप्टेन डैश टू कॉमा फोर, टू नंबर पे है एंड फोर नंबर पे आपका वो है इसलिए हमने लिखा टू कॉमा फोर, दो बार है तो लिखेंगे डाई और इसके लिए सफिक्स लिखेंगे ऑल, तो ये हो गया इसका आई यू पी एस सी नाम फाइव इथाइल हेप्टेन टू कॉमा फोर डाई ऑल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आई यू पी एस सी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल।